आउज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को मेरा सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज हमारे साथ एक जूनियर एडवोकेट है, चौधरी जुनैद अख्तर साहब। वो बताएंगे कि जब वकील यहाँ इस फील्ड में आते हैं, जूनियर हैं, उनको क्या मसाइल होते हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या उनके उनके सलूशन क्या है। तो जुनैद अख्तर साहब, बताएं आपने लॉ कब की है और किस तरह एंटर हुए हैं, और सारा बताएं कि क्या आपको मसाइल है। जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुनैद। मैं जूनियर एडवोकेट्स के बारे में कुछ ऐसे इतना तो एक्सपीरियंस नहीं रखता, लेकिन मैं खुद अपना वो बता सकता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ और जो मैं देखता आया, जो ऑब्जर्व करता आया। एक्चुअली जब हम लॉ करते हैं तो हमें ये देखते हैं, बाहर से इस फील्ड को देखते हैं कि जी मूवीज़ में देखते हैं या ईच एंड एवरीथिंग देखते हैं कि बड़े लॉयर, बड़े लॉयर, बड़े लॉयर। लेकिन वो बड़े लॉयर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो ना किया जाता है, और ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ग्रूमिंग करता है और आपकी ट्रेनिंग करता है। एक्चुअली जब यहाँ पर आप फील्ड में यंग लॉयर्स आते हैं तो वही समझते हैं कि हमने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और बार का एग्जाम पास कर लिया तो वी आर द लॉयर्स। लेकिन कानून की डिग्री लेना वकालत नहीं है, वो का इट विल टेक्स टाइम। तो यहाँ आकर जो ये चीज़ समझ जाता है कि पॉलिटिक्स भी जो है वो वकालत नहीं है। एक्चुअली वकालत है आपको अपना वो टाइम कंज्यूम करना और उसके लिए मेहनत करना। कि आप सबसे बड़ा मसला जूनियर्स के लिए जो है वो फाइनेंस का है, कि जब वो एक 17 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करके आता है तो वो देखता है कि 8 will return 0, वो आप कुछ नहीं अर्न कर रहे। दूसरा मसला ये है कि आपकी ट्रेनिंग का है, आप यहाँ 10 साल बार में बैठे रहे और देखते रहे, आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको कोई नहीं बताएगा, कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको लीगल एथिक्स ही कम से कम बता सके कि क्या उसकी कमी है। हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ योर केस ये क्या है, आपको अपना केस प्रेजेंट कैसे करना है। और तीसरा ये है कि बार ने भी इसके लिए कोई स्टेप नहीं किया, जैसे कि इंडियन बार काउंसिल, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि आपको एजुकेशन के लिए लोन या फंड्स दिए जाते हैं, फिर जब आप इसको पे बैक करने के काबिल हो जाते हैं तो फिर आपको रिटर्न करते हैं। हमारी पंजाब बार काउंसिल जो है उसके एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टफ हैं, जैसे कि एज़ कम्पेयर टू दूसरे हमारे ही मुल्क की बार काउंसिल्स के अलावा, जैसे कि बलूचिस्तान बार काउंसिल है, वो आपको एग्जाम सिविल जज के एग्जाम में एग्जेम्प्ट करती है, 2 साल की प्रैक्टिस नहीं है उसमें। आप जब LLB की डिग्री लेते हैं यू कैन अपीयर योर, कि आप अपीयर हो सकते हैं उस एग्जाम में, क्योंकि पंजाब बार में ऐसा नहीं है, वो 2 साल का अर्सा वकालत करने को कहते हैं और उसके बाद फिर वो आपको परमिशन देते हैं सिविल जज के एग्जाम के लिए। हाँ, ये एक अच्छा स्टेप तो है, लेकिन उस सूरत में कि जब पंजाब बार काउंसिल के ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हो, ऐसा इवन डेट के कोई ना कोई लाइक अ पॉकेट मनी आप इसको कह लेंगे बार की तरफ से हो, कि वो अपना ब्रेड एंड बटर चला सके जूनियर को। कि अगर एक फैमिली ने आपको 17 ईयर एजुकेशन दिलवाई है तो फिर आप लॉयर बनने के बाद भी उन्हीं पर डिपेंड करते हैं, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, इससे बंदा डिसहार्ट हो जाता है। बिल्कुल सर, और फील्ड से कई लोग छोड़ जाते हैं, और जो सियासत में इधर आके आते ही जूनियर करते हैं उसके बारे में आपका क्या सर? जो सियासत में आके जूनियर्स करते हैं, मैं समझता हूँ कि किसी ने कहा था कि पहले आप वकालत कर लें, जब आपको वकालत आ जाएगी तो फिर आप सियासत करें। नहीं, आपको ये एलिगेशन है कि सीनियर आपको सियासत में धकेल देते हैं। सर, धकेल देते हैं, लेकिन इवन डेट इसमें कसूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका भी है, वो आपको जबरदस्ती तो नहीं धकेलते। लेकिन अगर कसूर आपका है तो इसमें सीनियर का भी है, वो क्यों नहीं आपको कहते कि यार तो हमने तो अपनी सब चीजें प्रोसेस से गुजर के आए हैं, हमने ये चीज कर ली है, तुम तो एक केस फाइल करने के भी अहल नहीं हो, तुम वकालत करो। क्यों नहीं वो करते कि सियासत हम करेंगे, ये केस बैठ के पढ़ो, इसको करो। क्यों वो बैज लगवा के सारा दिन निकाल देते हैं बाहर के, जी कंपेन करो, सीढ़ियां चढ़ो। तो ये चीज एक गलत है, ये किस मतलब कि एक लाइक फ्यूचर के साथ खेलना, कि जब 5 साल आप सियासत कर लेते हैं और आप देखते हैं आपके वहीं पे बल्कि उससे नीचे स्टैंड कर रहे होते हैं जहां पे आप 5 साल पहले थे। तो एक ये बहुत ही बड़ा एक वो जिसको रोकना चाहिए बार काउंसिल्स को। ठीक है कि यार ये मतलब कि नए जूनियर को तो सियासत से इतना दूर रहना चाहिए, कि मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही कट ऑफ करना चाहिए, लेकिन पहले वकालत तो सीखनी चाहिए पहले। उसके बाद आप सियासत करें। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जूनियर्स को चाहिए कि इन पे हाथ रखें, जूनियर्स को सिखाएं और माली भी कुछ करें। तो बार को चाहिए ना कि वो करे, बार करे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। माँ का दर्जा रखती है तो थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब।